नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यूपीपी कांस्टेबल का जो परीक्षा प्लस टीम ने रैपिड फायर सीरीज शुरू की है, उस रैपिड फायर सीरीज का आज का पांचवां चैप्टर आपका है आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद। तो इससे बनने वाले जो आपके 50 MCQs विद इन 10 मिनट के अंदर हम देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा वो सुरक्षा होती है कि राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य हितों, कहां के देश की राजनीतिक, आर्थिक हो। तो आपका आंसर यहां पे सी हो जाएगा। दूसरे नंबर का, बाह्य सुरक्षा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी बाह्य सुरक्षा के लिए। तो ध्यान रखेंगे देश की सीमाओं की रक्षा करना और विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा अगर बात होती है तो बाह्य सुरक्षा की बात होती है। आंतरिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, देश के भीतर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना, क्या कहलाता है आपका, यह कहलाता है आपका आंतरिक सुरक्षा। भारत में आंतरिक सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो ध्यान रखिएगा, जितने आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, जितने आपके सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होती है केंद्रीय पुलिस संगठन, और जितने आपके राज्यों के पुलिस संगठन होते हैं, वो सारे जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में बाह्य सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो ये सारी संस्थाएं, इसमें आप राव को भी जोड़ सकते हो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को, और आप इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी जोड़ सकते हैं। चलिए, भारत में आंतरिक सुरक्षा किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो जो भारत में आंतरिक सुरक्षा होती है ना, वो आपके गृह मंत्रालय के अधीन आता है, और भारत में बाह्य सुरक्षा जो होती है वो आपके रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। असम राइफल्स की स्थापना की अगर बात करोगे आप, तो असम राइफल्स की स्थापना आपके 1835 में होता है। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। असम राइफल्स का मुख्यालय जो है कहां स्थित है, तो असम राइफल्स का मुख्यालय आपके शिलोंग में है। यही एक ऐसा पैरामिलिट्री फोर्सेज है जिसका मुख्यालय शिलोंग में है, नहीं तो बाकी सारे पैरामिलिट्री फोर्सेज का मुख्यालय जो है वो आपके कहां पे है, न्यू दिल्ली में है। चलिए, असम राइफल्स का आदर्श वाक्य क्या है, तो पहाड़ी लोगों का मित्र इसका आदर्श वाक्य है। असम राइफल्स को किस सीमा की सुरक्षा के लिए, तो भारत म्यांमार और आपके कहां पे, और आपके चीन की सीमा पर भी तैनात किए जाते हैं। असम राइफल्स को उत्तर पूर्व का प्रहरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह उत्तर पूर्व की सुरक्षा और शांति बनाए रखता है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना ध्यान रखेंगे 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, उसकी स्थापना। सीमा सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य अगर मैं बताऊं, तो सीमा सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य जो है वो आपका कौन सा है, तो ये है आपका जीवन पर्यंत कर्तव्य। ध्यान रखेंगे मुख्यालय इसका नई दिल्ली होगा। सीमा सुरक्षा बल किन सीमाओं की रक्षा करता है, तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर रक्षा करता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब होती है, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की जो स्थापना होती है वो आपका स्थापना जो होता है आपके 1969 में, यानी 10 मार्च 1969 को। इसका भी मुख्यालय आपके न्यू दिल्ली में है। ध्यान रखेंगे औद्योगिक और सरकारी प्रतिष्ठानों से रक्षा करता है, प्रतिष्ठानों की रक्षा करता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस की स्थापना जो हुई थी वो ध्यान रखेंगे 27 जुलाई 1939 को हुई थी, ठीक है। अभी 85वां वर्षगांठ मनाया इस साल 2024 में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस का को अधिनियमित आपके 1949 में किया गया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का आदर्श वाक्य अगर मैं बताऊं आपसे, तो इसका आदर्श वाक्य आपका सेवा और निष्ठा है। इसका भी मुख्यालय आपके नई दिल्ली में है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, अगर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के बारे में मैं बात करूं, तो 1962 जब भारत और चीन की लड़ाई हुई थी उसके बाद इसका गठन किया गया था। ध्यान रखेंगे इसका भी मुख्यालय आपके नई दिल्ली में है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की बात करूं, तो इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा इसका आदर्श वाक्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना जो होती है वो 84 में, जब जानेंगे आप ना, जब सिख दंगा हुआ था, ऑपरेशन जो चलाया गया था सिखों के लिए, तो ध्यान रखेंगे उसके बाद इसकी स्थापना होती है। चलिए, सशस्त्र सीमा बल की स्थापना की बात करेंगे। सशस्त्र सीमा बल की अगर स्थापना की मैं बात करूं, तो इसकी स्थापना आपके 1963 में SSB है। चलिए, सशस्त्र सीमा बल का मुख्य कार्य क्या है, तो ये भारत, नेपाल और भूटान की सीमा की रक्षा करते हैं। ध्यान रखेंगे एनएसजी और आपके एसएसबी दोनों का मुख्यालय आपके कहां पे है, तो दोनों का मुख्यालय आपके नई दिल्ली में है। जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस पड़ेंगे सबका मुख्यालय नई दिल्ली। इंटेलिजेंस ब्यूरो की अगर मैं बात करूं, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो स्थापना होती है वो आपके कब होती है, 1 मई 1986 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इसका भी मुख्यालय आपकी नई दिल्ली में है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की अगर मैं बात करूं, तो इसका भी आपका क्या होता है, इसका आपका जो स्थापना है वो 1968 में, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में।
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का जो आदर्श वाक्य है वो धर्मो रक्षित रक्षित, ये आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी एनआईए की अगर स्थापना की मैं बात करूं तो एनआईए की स्थापना आपके 2009 में, इसका भी मुख्यालय आपके नई दिल्ली में है। अन्वेषण एजेंसी की मुख्य काम क्या है, मतलब किसका काम करती है एनआईए, किन अपराधों की जांच करती है, तो आतंकवाद की, साइबर अपराध की, मानव तस्करी और अवैध हथियारों की जांच की जिम्मा जो है वो एनआईए के ऊपर है। 31, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसे सीबीआई कहते हैं, और सीबीआई की स्थापना की अगर बात करी जाए तो सीबीआई की स्थापना आपके 1 अप्रैल 1963 में करी गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का आदर्श वाक्य क्या है, तो उद्यमिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा इसका आदर्श वाक्य है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जिसे एनडीआरएफ कहते हैं, और एनडीआरएफ की स्थापना जो हुई थी वो आपके 2006 में हुई थी। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का आदर्श वाक्य जो है, आपदा सदैव सेवा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35, आईएसआईएस क्या है, आईसिस के बारे में बात कर रहा है, इस्लामिक स्टेट इन सीरिया एंड इराक, बेसिकली ये इराक और सीरिया में जो आतंकवाद का संगठन है वो है, और इसका जो संस्थापक था वो संस्थापक आपका अबू बकर अल बगदादी, अलकायदा का संस्थापक ओसामा बिन लादेन, और ओसामा बिन लादेन जो है वो आपका अलकायदा के संस्थापक। चलिए 11 सितंबर 2001 जो आपका न्यूयॉर्क का ट्विन टावर पे जो हमला हुआ तो ये अलकायदा ने ही किया था, जिसका सरगना कौन है, ओसामा बिन लादेन। लश्करे तैयबा और जैसे मोहम्मद का संबंध पाकिस्तान से है, ध्यान रखेंगे। 2006 का जो मुंबई हमला हुआ था उसमें आपके लश्करे तैयबा ने क्या किया था, आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी ली थी। बोको हरम जो है वो नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है, ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उल्फा जो है अभी क्या है, ये असम में एक्टिव जो आपका उग्रवादी संगठन है उल्फा, ये असम में हाईली एक्टिवेटेड था। चलिए इस्लामिक फ्रंट जो है वो जम्मू कश्मीर का एक आतंकवादी संगठन है। बात करेंगे तालिबान किस देश में सक्रिय आतंकवादी संगठन है, तो ये है आपका अफगानिस्तान, ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं आपके ऑपरेशन ब्लैक थंडर, अगर मैं 44 के बारे में बात करूं तो ऑपरेशन जो ब्लैक थंडर है ना, ये खालिस्तानी आतंकवादियों को के दमनकारी नीति के लिए ये आपका चलाया गया एक ऑपरेशन था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नक्सलवाद से प्रभावित सबसे ज्यादा है, तो वो छत्तीसगढ़ राज्य आपका सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसी को थ्रू लेकर के रेड गलियारा चलता है आपका, जो महाराष्ट्र से शुरू होकर के आपके कहां, आंध्र प्रदेश से शुरू होकर के कहां जाता है आपके, नेपाल तक जाता है, ठीक ना। चलिए ऑपरेशन ग्रीन हंट, अगर 46 की मैं बात करूं तो 46 में ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है वो नक्सल विरोधी अभियान था, ठीक है। भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। ऑपरेशन पराक्रम का संबंध किससे है, अगर ऑपरेशन पराक्रम की मैं बात करूं तो ऑपरेशन पराक्रम का जो संबंध है ना, तो ध्यान रखेंगे इसका जो है आतंकवादी हमले के जवाब में, किसके आतंकवादी हमले में, संसद के आतंकवादी हमले में, संसद का जो आतंकवादी हमला हुआ था ना उसका जवाबी क्या था, उसका जवाबी हमला जो था ऑपरेशन जाथो वो जो था वो ऑपरेशन पराक्रम था। 49, भारत में आतंकवाद निरोधक प्रमुख कानून कौन सा है, तो यूएपीए आप जानते ही हैं, कौन सा, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जो है आपका, यही आपका बेसिकली यहां पर यूएपीए जो आपका हो जाएगा, यहां पर ध्यान रखेंगे। और टाडा भी आपका इसी से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे, तो आंसर आपका टाडा हो जाएगा, ना कि आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 50, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो ध्यान रखेंगे, अगर मैं बात करूं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में तो ये पंजाब में जो आतंकवाद विरोधी हुआ था ना आपका, ये आपका था आतंकवाद विरोध, कहां से, पंजाब में, ठीक है। ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है, अगर मैं बात करूं 51 नंबर के क्वेश्चन में, तो ऑपरेशन अजय का संबंध जो है वो इजराइल और हमास युद्ध से है, समझ में आ गया, ये इजराइल और हमास का जब युद्ध हो रहा था उसमें फंसे भारतीयों को ले आने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन अजय, ठीक है। ऑपरेशन गंगा किससे है, तो ऑपरेशन गंगा की अगर मैं बात करूं तो ऑपरेशन गंगा जो है वो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन गंगा आपका किसके लिए है, तो ऑपरेशन गंगा आपका है रूस और यूक्रेन के युद्ध के लिए, आपका 52 का यहां पे क्या हो जाएगा, 52 का यहां पे सी हो जाएगा, जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था उस समय भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन करुड़ा जो है ये बेसिकली आपका चक्रवात से रिलेटेड है, जो म्यांमार में जो चक्रवात आया था उसके प्राकृतिक आपदा के द्वारा भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीम मिलकर के क्या हुआ था, यहां पर हेल्प किया था। चलिए
ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी जो होता वो किस गृह युद्ध के दौरान भारतीयों को निकालने के लिए, तो जब सूडान में गृह युद्ध हो रहा था ना, तो ऑपरेशन कावेरी चला गया था भारत सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55, ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन आहट आरपीएफ द्वारा महिला एवं बाल तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। और 56, ऑपरेशन देवी शक्ति, जब अफगानिस्तान पर तालिबानियों का क्या हो गया था, कब्जा हो रहा था, उस समय भारतीयों को निकालने के लिए क्या चलाया गया था आपका, ऑपरेशन देवी शक्ति। बात करेंगे ऑपरेशन मेघ चक्र के बारे में, तो सीबीआई द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ चलाया गया क्या था, यह अभियान था जो बेसिकली आपका ऑपरेशन मेघ चक्र के नाम से जाना जाता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं जो आपके आतंकवाद और आपके जो आंतरिक सुरक्षा है उससे रिलेटेड। इससे बाहर क्वेश्चन जाने की उम्मीद नहीं है, फिर भी मैं और भी सीरीज आपके ले आता रहूंगा जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं करता रहूंगा। चलिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।